उसके ऊपर जो वो गैंगस्टर वो था लगभग 25 के करीब में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। इसके ऊपर जल्दी बीजेपी का है, ऐसा है, देखिए विषय बीजेपी का या किसी और का नहीं है, हमने काम चाहिए समय। सर लगातार लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश में, आज आप कालका पहुंचे हैं, आपने शक्ति रानी शर्मा के पक्ष में वोटों की अपील की, क्या कहना चाहेंगे सर? आज पूरे प्रदेश का एक वातावरण हर जगह बना हुआ है, कालका में देखिए, नारनौल में देखिए, आज हर जगह एक ही आवाज है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बहुत बड़ी सीटें जीत करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। हरियाणा के लोगों ने ये तय कर लिया है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी और हरियाणा के विकास को और ऊंचाइयों के ऊपर ले जाने का काम हम मिल करके करेंगे। शक्ति रानी शर्मा को जन समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, क्योंकि यहाँ के जो विधायक है लोग कह रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं आए और जो काम करवाने चाहिए थे विधायक के तौर पर वो भी नहीं करवा पाए। नहीं देखिए, कांग्रेस की तो स्थिति खराब है, कांग्रेस नहीं बन पा रही है। शक्ति रानी शर्मा यहाँ पे बड़े मार्जिन के साथ जीत रही है, ये कालका के लोगों ने तय कर दिया है। लोकसभा के अंदर भी यहाँ से सीट बड़े मार्जिन से जीतते थे, उससे भी बड़े मार्जिन से ये सीट अब जीतने वाले हैं विधानसभा की। आपने कई बड़ी घोषणाएं की हैं, हुड्डा साहब को भी चैलेंज किया है, हमने इतनी नौकरियां दी हैं, आपने कितनी दी हैं युवाओं के लिए, बड़े बड़े वायदे तो कर रहे हैं। नहीं देखिए, हमने वायदे नहीं किए, हमने वायदों को पूरा किया है। हुड्डा साहब ने घोषणाएं की हैं, घोषणाएं रह गई हैं। मैंने पूछा, ये तो कागजों के ऊपर है, ये कहीं छुपी हुई बात नहीं है। हमने कितना रोजगार दिया बिना पर्ची बिना खर्ची के दिया, मैंने तो उनको इसलिए पूछा था, वो हिसाब मांग रहे थे। मैंने ये कहा था कि आप हिसाब मांग रहे हैं, आपने हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मेरा ये क्वेश्चन है कितने युवाओं को रोजगार दिया आप बताने का काम करें, किस आधार के ऊपर दिया, क्या उनके साथ होता था? जमीन बेच करके वो रोजगार लेते थे, गहने बेच करके लेते थे और वो कहीं ना कहीं ब्याज पे उठा करके पैसा रोजगार लेते थे। कई बार स्थितियाँ ऐसी होती थी हुड्डा सरकार के अंदर, जमीन बिक जाती थी, लोन भी नहीं भरा जाता था, गहने बिक जाते थे, नौकरी नहीं लगती थी, ये हालात हुए। कोर्ट ने बाहर का रास्ता दिखाया परंतु हमने ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के युवाओं को रोजगार दिया है। आगे भी हमने ये कहा है कि 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हम रोजगार देंगे। आपने कहा है बहुत कम समय मिला है आपको, 56 दिन का समय मिला, कई घोषणाएं भी की हैं, घोषणा पत्र आपने इस तरीके से देखेंगे, मांगा है तरीके के हालात हिमाचल के हैं, जो वादे किए गए थे कि महिलाओं को जो है 1500 रुपये महीना दिया जाएगा, इसी तरीके का वादा जो है हरियाणा में किया गया। देखिए कांग्रेस वादे ही करती है, देती नहीं कुछ भी, सजबाग दिखाती है। मैंने कहा है कि ये झूठ का पुलिंदा लेकर के हरियाणा में आए हैं, ये झूठ का पुलिंदा तो हिमाचल ने देखा है, ये झूठ का पुलिंदा कर्नाटक ने देखा है, ये झूठ का पुलिंदा कांग्रेस का तेलंगाना ने देखा है, अब ये कांग्रेस के लोग उसी झूठ के पुलिंदे को हरियाणा में लेकर के आए हैं। अब इसकी चलेगी नहीं, अब ये तो गुब्बारा फूट चुका है, इसके अंदर इनकी दुकान खाली है, दुकान के अंदर सामान नहीं है, अगर सामान है वो झूठ का सामान है। नहीं देखिए, क्योंकि मेरे को उसकी जानकारी मैंने ली है, उसके ऊपर जो वो गैंगस्टर वो था लगभग 25 के करीब में, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज है। कल पंजाब की पुलिस भी उसको ढूंढ रही थी, परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए कि इस प्रकार के जो क्रिमिनल लोग हैं उनको शरण देना, अपने साथ रखना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा है कोई भी क्रिमिनल व्यक्ति है, अगर कोई वो काम अपना ये गलत कार्य नहीं छोड़ता, हमारी सरकार हमारी पुलिस सख्त एक्शन में आकर के कड़ी कार्रवाई करें। ठेकेदार की लापरवाही के कारण काफी हद तक खराब हो चुका है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? इसके ऊपर जल्दी ठेकेदार आपकी बीजेपी का है, ऐसा है, देखिए विषय बीजेपी का या किसी और का नहीं है, हमने काम चाहिए समय के अंदर, काम चाहिए, इसके लिए हम पूरा एजेंडा, मैंने कहा है कि हमने पूरा एजेंडा तैयार कर रखा है, कोई भी ऐसे काम है
8 तारीख के बाद बड़ी गति से वो चलेंगे।